हेलो। अब ऐसी भी क्या नाराजगी? तुम्हारा कौन? अपना फारूक, हमें साथ डिनर पे जाना था। मैं तुम्हारे घर भी आया था, तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। अब किस बात का डर है? तुम्हारी भाभी, तुम्हारा कजन तो चला गया ना, अकेली होती हो ना अब तो तुम। जितनी तुमने मेरी बेइज्जती की है ना, पीछा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर पे कोई नहीं है क्या? पता नहीं, इस वक्त तक तो आशी आ जाती है। तुम उसके ऑफिस में काम करते हो? जी जी मैं उसका बॉस हूँ। वो तो अपना सारा काम ऑफिस में खत्म कर कर आती है। आपका यहाँ आने का मकसद? उसी ने मुझे घर बुलाया था, ऑफिस से तो निकल गई थी मेरे सामने। वो शायद अभी तक आई नहीं। कमाल है, कहाँ जा सकती है? ओह आई सी, कहीं वो मेरी तरफ ना चली गई हो। चले चले, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, थैंक यू। इफ्तार अंकल ना तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। अच्छा, तुम्हारी कब बात हुई उनसे? मतलब जब भी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो मलेशिया गए हुए हैं ना। अच्छा, क्या हुआ आशी, तुम इतनी बुझी बुझी और मुरझाई हुई क्यों? थक गई हूँ शायद इसलिए। हौसला रखो, हिम्मत से काम लो आशी। किसके लिए हिम्मत करूं, किसके लिए हौसले से जिंदगी गुजारूं? जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगी ना कि किसके लिए जिंदगी गुजारूं, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। यार आशी, हौसले से काम लो, अपने लिए जियो, बहुत जिंदा दिली और खुश दिली के साथ, जैसे मैं जीती हूँ। यार बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे उस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। तुम्हारी भाभी तुम्हें कैसे अकेला छोड़ गई, और भाई भाई ने उन्हें कैसे अपने पास बुला लिया? उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अकेली कैसे रहोगी वहाँ। अरे नहीं, भाई नहीं बुला रहे थे और ना ही भाभी जाना चाह रही थी। वो तो मैंने जिद की, इसलिए वो चली गई। और वैसे भी वो दोनों मेरी वजह से एक दूसरे से क्यों दूर रहे? और फैसल, वो तो कहता था कि हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ डट के मुकाबला करूंगा, क्या हुआ फिर? वो तो जब तूफान का सामना करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि इरादे मजबूत हैं या नहीं। मतलब ये कि वो एक कमजोर इंसान था हमेशा से, और समझता था कि बहुत मजबूत है। खैर इन बातों को छोड़, मैं इन बातों से निकलना चाहती थी इसलिए तुम्हारे पास आई थी। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी लगी है, देखने चलें? तुम्हें पता है ना मुझे मूवीज देखने का शौक नहीं है। हम ऐसा करते हैं, बैठकर खूब सारी बातें करते हैं, नए पुराने किस्से सुनाते हैं एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, लेकिन कल हम बाहर जरूर जाएंगे, संडे है ना। कल की कल देखी जाएगी। नहीं कल जाएंगे हम। अच्छा ठीक है बाबा, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? फिलहाल तो
क्यों नहीं उठा रही ये लड़की फोन? कुछ पता भी नहीं चल रहा है इसका। किससे पता करूं मैं? कहीं ये उस घर तो नहीं चली गई? गलती, कौन सा गुनाह सरजर्द हुआ है जिसकी सजा खत्म होने में नहीं आ रही? कोई ऐसा नहीं जिसको मैं अपना दर्द बताऊं, कोई सुनने वाला नहीं। देखो गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूनना और इतना भूनना कि ऑयल ऊपर आ जाए, और हाँ कोई स्मेल बाकी ना रहे। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुनो, तुम इसी शहर में रहती हो ना? हाँ। तो फिर इतनी मुश्किल चीजें तुम मुझे क्यों पकाना सिखा रही हो? मतलब अगर मुझे कभी अचार गोश्त खाने का दिल करेगा तो मैं तुमसे कह दूंगी तुम बना के खिला देना। मैं पागलों की तरह तुम्हें पिछले एक घंटे से रेसिपी बता रही हूँ, मेरा हला खुश हो गया। यही बात तुम पहले नहीं कर सकती थी? वो क्या है ना, मुझे लगा कि तुम्हें बड़े होके ना जुबैदा आपा बनने का शौक होगा, शायद इसलिए तुम अभी से प्रैक्टिस कर रही हो। जी सॉरी। अच्छा क्या हुआ, बन गया? आज तो बहुत खा लिया, अगर तुम 15 दिन और रही ना तो मैं खा के मोटी हो जाऊंगी। हाँ आज मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही खा लिया, वरना ऑफिस में तो बस दिल रखने के लिए खाना पड़ता है। यार सुनो ना, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाओ ना रहने। सोचूंगी। सोचूंगी मतलब तुम्हें कोई एतराज है? तंग आ जाओगी तुम मुझसे एक ही हफ्ते में। तुम मुझे ऐसा समझती हो? अगर वाकई ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें मुझसे रोजाना एक डिश सीखनी होगी। नहीं आशी, कुकिंग नहीं। अच्छा छोड़ो ना, मैं क्या कह रही थी, काम को थोड़ा गैप देते हैं और हम दोनों लाहौर चलते हैं हेरा के पास। हाँ दिल तो मेरा भी चाह रहा है, काफी टाइम से उससे बात भी नहीं हुई है। अब तुम ऐसा करो, तुम प्रोग्राम बनाओ, हम चलते हैं। फिलहाल तो मैं अपने घर जाने का सोच रही हूँ। आशी अभी नहीं ना, अभी हम बातें करें, मजा आ रहा है। यार मुझे घर जाके बहुत सारी चीजें समेटनी है, कल ऑफिस जाने की तैयारी करनी है। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर ड्रॉप मैं करूंगी। पीनी तो पियो। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आए। मैं तुम्हें इस किस्म की लड़की नहीं समझती थी। जी तुम कल की गई भी आज घर में घुस रही हो, पूरा दिन तुम गैर मर्द के साथ थी, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए शर्म से। ये आप क्या कह रही हैं? मैं लैला के घर थी,
झूठ मत बोलो और मुझे बेवकूफ बनाने की भी कोशिश मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई लैला के घर थी। कल वो आदमी तुम्हारे घर पर आया था और वो कह रहा था कि तुमने उसे यहाँ बुलवाया है। तुम क्या समझती हो किसी को कुछ पता ना चले, इस वजह से तुम उसके घर चली गई? आपसे किसने कहा कि मैं उसके घर थी? मैंने पूरी दुनिया देखी है। खुदा के लिए खाला, मेरा यकीन करे, मैं उसके साथ नहीं थी। तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया तुमने? आपका फोन? हाँ मेरा फोन। मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता, जहाँ फांस होती है ना वहाँ बांस बनता है बेटा। पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारी बातें बना रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ या फिर तुम इस मोहल्ले को छोड़ के कहीं दूर चली जाओ। खाला, खाला मेरी बात तो सुने खाला। अस्सलाम वालेकुम आशी पप्पा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दादी आई थी? हाँ आई थी, अभी थोड़ी देर पहले निकल गई। अच्छा, मुझे मम्मा ने भेजा, हमारी कुछ प्लेटें यहाँ थी ना, आपके पास, वो दे दे। हाँ आओ दे। आशी पप्पा, आप मरियम लोग वापस नहीं आएंगे? नहीं नहीं, वो जरूर वापस आएंगे। मेरी मम्मा तो कह रही थी कि वो अब कभी नहीं आएंगे, और मेरी मम्मा तो ये भी कह रही थी कि आपके हरकतों की वजह से फायज आंटी गई है यहाँ से। हेलो सलमान, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। खैरियत, आपने कैसे याद किया? तुम किसी तरह टाइम निकाल के लंच टाइम में ऑफिस आ सकते हो? जी जी बिल्कुल आ सकता हूँ। खैरियत? तुम आ जाओ फिर बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जॉब मिल गई? जी जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मिल गई। फिर तुम कैसे टाइम निकालोगे? अरे नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, तुम कल आओ, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। क्या बात है अभी, आप मुझे खुलकर बताएं। सलमान, तुमने फारूक साहब के बारे में मुझे खबरदार किया था ना? क्यों, क्या आपको तंग किया? मुसलसल तंग कर रहा है, स्टॉप तक आ जाता है, और अब तो घर तक पहुंच गए। वक्त बेवक्त कॉल करता रहता है, मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है उस शख्स ने। सारे घर वालों का एतबार उड़ गया है मुझसे, सारे छोड़कर चले गए, अकेली रह गई हूं मैं। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। देखिए आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। सलमान, तुमने कहा था ना कि तुम फारूक के बारे में बहुत कुछ जानते हो, प्लीज प्लीज कोई हल निकालो उससे निजात का।
आपको इफ्तिखार साहब से बात करनी चाहिए। उन्हें सब पता है और अब तो फारूक भी जॉब छोड़ के चला गया। इफ्तिखार साहब क्या कर लेंगे। सलमान प्लीज तुम कुछ करो, उस शख्स से छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपको उसकी बेटी से बात करनी चाहिए। बेटी? हाँ हाँ बेटी, फारूक के इन-लॉस लंदन में रहते हैं, उन्हीं के पास रहती है और मेरे कजन के साथ पढ़ती है और वहीं रहती है। मैं आशिर भाई को फोन करता हूँ और मालूम करता हूँ कि वो आजकल कहाँ है। और उसकी बीवी? छोड़ के जा चुकी है उसे। सलमान प्लीज तुम कुछ करो। मैंने कहा ना आप परेशान ना हो, मैं आशिर भाई को आज ही फोन करता हूँ। देखा सलमान, फिर से फारूक कॉल कर रहा है। तो मत रिसीव करें ना। सलमान तुम्हें ये सब कुछ करने का टाइम मिलेगा ना? अरे ये सब मेरा काम है,